नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में एनसीबी ने बहुत पहले ही ये साफ कर दिया था कि रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी एक बार फिर से होना तय है। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी हुई थी और रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत केस में हम सब ने देखा था कि बेल मिल गई थी और वो जमानत पर बाहर आ गई थी। लेकिन आप सभी को यहाँ पर पता होगा कि एनसीबी ने बहुत ज़्यादा शर्तों के साथ रिया चक्रवर्ती को छोड़ा था। उसमें से पहली शर्त तो यही थी कि रिया चक्रवर्ती छूट तो रही हैं, लेकिन वो मुंबई छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकती हैं। और इसके साथ ही दूसरी शर्त ये थी कि रिया चक्रवर्ती को महीने के हर पहले मंडे के दिन उनको आकर के एनसीबी के दफ्तर में हाजिरी लगानी होगी। इसके साथ ही उनको और भी बहुत सारी शर्तों को फेस करना था जो कि एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर इसी वजह से लगाया था ताकि रिया चक्रवर्ती कहीं पर भाग ना सकें। उनको पूरी तरह से शक था कि रिया चक्रवर्ती भाग सकती है, इसी वजह से उनका मोबाइल जब्त कर लिया गया था। और इतना ही नहीं, मोबाइल को जब्त करके फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया था और रिया चक्रवर्ती से कहा गया था कि जब तक दूध का दूध और पानी का पानी नहीं हो जाता तब तक वो शहर छोड़कर कहीं भी जा नहीं सकती हैं। अब आपको बता दें कि अब जब पूरी तरह से सब साफ हो चुका है कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत केस में मुख्य आरोपी हैं और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती और साथ ही सैमुअल मिरांडा का नाम सामने आया है, तब इनकी गिरफ्तारी एक बार फिर से आने वाली है। आपको बता दें, अब एनसीबी बहुत जल्द एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती के घर पर नोटिस भेजने वाली है और हो सकता है कि रिया चक्रवर्ती को कम से कम 20 साल की सजा हो सकती। जहां रिया चक्रवर्ती अच्छी खासी जिंदगी व्यतीत करने लग गई थी और उनको लगने लग गया था कि अब तो सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया से चले गए हैं, कोई सबूत बचा नहीं है और रिया चक्रवर्ती एक बार फिर से अपनी जिंदगी में पूरी तरह से वैसे ही जी सकती हैं जैसे एक आम इंसान जीता है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के पांव पर ऐसी कुल्हाड़ी लगी है। रिया चक्रवर्ती ने पहली बात तो अपना बॉलीवुड करियर पूरी तरह से खराब कर लिया। उनको फिल्म देने से हर कोई मना कर रहा है, यानी कि रिया चक्रवर्ती को अब फिल्म नहीं मिलेगी। दूसरी बात यह है कि रिया चक्रवर्ती को अब जेल में भी जाना पड़ेगा और कम से कम 20 साल तो उनको जेल में रहना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती और उनके भाई सौविक चक्रवर्ती की सारी होशियारी निकाल दी और उनको पूरी तरह से अब जेल में आने वाले दिनों में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन का इस पर अभी तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन ने जब ये खबर देखा होगा तो निश्चित ही उनको लगा होगा कि कहीं ना कहीं इस दुनिया में अभी भी इंसाफ जिंदा है और सच की ही जीत होती है। आपको बता दें, सुशांत सिंह राजपूत की बहन लगातार सोशल मीडिया के सहारे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने की मुहिम छेड़े हुए हैं और वो कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले। और ठीक अभी कुछ दिन पहले ही सुशांत की बहन ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि हम धैर्य के साथ इंतजार कर रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत का इंसाफ मिले, लेकिन जिसने भी सुशांत के साथ ये सब कुछ किया है वो ऐसा बिल्कुल भी ना समझे कि हम इस केस को भूल चुके हैं या फिर इस केस को बंद करने वाले हैं। इसका मतलब यह है कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन अभी भी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर वो चुप हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश की सीबीआई, एनसीबी पर विश्वास करके ही चुप हैं, वरना अब तक दूध का दूध और पानी का पानी सुशांत की बहनें कर सकती थी। लेकिन अगर वो चुप हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे देश की कानून व्यवस्था असली मुजरिम को सामने लेकर के आएगी और हमें बताएगी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के साथ 14 जून को क्या हुआ था। तो यही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।